हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, ये मेरा चौथा वीडियो है कॉलेज रिव्यू के बारे में। जैसा कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा कमेंट आया था कि आईआईटी ट्रिपल आईआईटी बीबीएसआर के बारे में वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आज मैं ये ट्रिपल आईआईटी बीबीएसआर के कॉलेज रिव्यू के साथ साथ उसका प्लेसमेंट कट ऑफ क्या गया था सब और डिस्कस करेंगे यही वीडियो में। ट्राई करूंगा ओडिशा के हर एक के कॉलेज के बारे में एक एक रिव्यू वीडियो बनाने के लिए। तो जिस कॉलेज का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो अगली वीडियो उसकी उसी कॉलेज के बारे में आएगा, ठीक है। तो आप इधर जो देख सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी इधर दे दिया हूँ, अगर कुछ भी डाउट आता है और जेई काउंसलिंग के लिए, ठीक है, और पूरा इंस्टा आईडी में जाकर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, उधर मैं ट्राई करूंगा तुमको बहुत जल्दी ही रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। ले देखते हैं, तो आज का ये वीडियो हमारा ट्रिपल आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का कमेंट आया था कि ट्रिपल आईआईटी के बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं आ गया हूँ ये वीडियो लेके ट्रिपल आईआईटी के बारे में। तो आज का वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक क्या रहेगा, ये एक ही वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ आएगा कि ट्रिपल आईआईटी भुवनेश्वर में क्या है, प्लेसमेंट था, कोर्सेस क्या अवेलेबल है, रैंकिंग क्या था। तो अच्छे से आप जज कर सकते हो कि इस कॉलेज में क्यों पढ़ोगे और इस कॉलेज में पढ़ने के लिए जो तुम्हारा क्या बेनिफिट रहेगा, इसी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, तुम्हारा टेंटेटिव डेट क्या है 2023 जो काउंसलिंग के लिए, ओवरव्यूज करेंगे कि यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे, थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन जानेंगे, उसके बाद कैंपस देखेंगे, कैंपस में क्या क्या अवेलेबल है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है इस कॉलेज में पढ़ने के लिए, ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे, रैंकिंग, स्टूडेंट सर्विसेज, कोर्सेज, जैसा कि तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट, फीस, हॉस्टल, सभी डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ आएगा कि ट्रिपल आईआईटी भुवनेश्वर में तुम क्यों पढ़ोगे, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे टेंटेटिव डेट क्या है 2023 का। जैसा कि तुम इधर देख सकते हो, तीन तरह के काउंसलिंग कर सकते हो, मतलब तीन तरह अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि तुम्हारा एक है जोसा काउंसलिंग, जानते हो कि पूरा ऑल इंडिया बेसिस में जो काउंसलिंग होता है, और एक है सीएसएबी काउंसलिंग, और एक है वो ट्रिपल आईआईटी का अलग एक काउंसलिंग, मतलब जो बच्चे ओडिशा से बिलोंग करते हैं, ओडिशा का नेटिव है, उन लोगों के लिए 50% जो टोटल कॉलेज के तरफ से एक अलग एक काउंसलिंग होता है, वो ओनली कॉलेज ही ओडिशा के अंदर जो बच्चे रहते हैं उनके लिए, और जो ओडिशा के बाहर के बच्चे आते हैं, मतलब आउट ऑफ स्टेट, उनके लिए जोसा और सीएसएबी काउंसलिंग तुम्हें अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो काउंसलिंग तुम्हारा ऑलरेडी 19th मई से स्टार्ट हो गया है, लास्ट डे है 19 जुलाई, तो इसी महीने के लास्ट डेट है 19 जुलाई तक। जिस बच्चे ने डायरेक्ट अप्लाई करेगा कॉलेज में, मतलब ओडिशा के अंदर के बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ, और जो ओडिशा के बाहर का बच्चा है वो तुम्हारा डायरेक्ट जोसा काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो। जोसा काउंसलिंग में जैसा जैसा डेट रहेगा उसी हिसाब से तुम चॉइस फिलिंग करेगा, उसी हिसाब से तुम्हारा फर्स्ट चॉइस आएगा, ठीक है, राउंड वाइज तुम्हारा जो अलॉटमेंट आएगा। तो करीबन 7-8 राउंड हो जाएगा टोटल पूरा बच्चे को सिलेक्ट करने के लिए। जैसा कि तुम्हारा फर्स्ट जोसा काउंसलिंग जैसा होता है उसके लिए, उसके द्वारा तुम्हारा बच्चे को सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद उनका जो कॉलेज के तरफ से और जो 50% रिजर्वेशन है ओडिशा के अंदर का स्टूडेंट के लिए, उसका काउंसलिंग चलेगा। तो टोटल 8-9 काउंसलिंग चलता है तुम्हारा उसका सीट फिलअप होने तक, ठीक है। तो तुम्हारा जो ओडिशा के अंदर जो बच्चे हैं तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाकर तुम्हारा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से डायरेक्ट तुम जाके अप्लाई कर सकते हो ट्रिपल आईआईटी में पढ़ने के लिए, ठीक है। नाउ डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ओवरव्यू, इंस्टीट्यूट क्या है, टीचिंग स्टाफ कितने हैं, ठीक है। तो ट्रिपल आईआईटी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा 2006 में एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद ये क्यों एस्टैब्लिश हुआ था, फॉर डिजाइनिंग प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली फोकस्ड हुआ था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डेवलप किया जाए उसी हिसाब से ये ट्रिपल आईआईटी एस्टैब्लिश हुआ था। तो ये उसके बाद 20 जनवरी 2014 में ये टोटली गवर्नमेंट के द्वारा पूरा यूनिटरी यूनिवर्सिटी में
परिणित हो गया, मतलब यूनिवर्सिटी नहीं था 2006 में, ओनली कॉलेज था। उसके बाद 2014-20 में यूनिवर्सिटी हो गया। तो इसका कैंपस अरे है 23 एकड़। 23 एकड़ में क्या जाता है, तुम्हारा क्लासरूम जाता है, लाइब्रेरी जाता है, हॉस्टल, फैकल्टी लिविंग क्वार्टर्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ऑडिटोरियम, सभी ये 23 एकर्स में अंदर के जाता है। ये है अबाउट इंस्टीट्यूट, थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद देखेंगे टीचर स्टाफ, अराउंड 45 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इधर काम करते हैं, मतलब तुमको गिविंग ए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर ऑफ इनोवेशन। तो इधर जो 45 अराउंड टीचर्स, इधर फैकल्टीज, इधर तुम्हारा जो क्लास लेंगे, ठीक है। तो ये तो था अबाउट इंस्टीट्यूट एंड टीचिंग स्टाफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अबाउट द एकेडमिक डिपार्टमेंट, क्या क्या डिपार्टमेंट अवेलेबल है इन ट्रिपल IIT भुवनेश्वर। अगर हम अंडर ग्रेड प्रोग्राम की बात करें तो BTech प्रोग्राम तुम्हारा कितना 5 ब्रांच में अवेलेबल है, लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 5 ब्रांचेस अवेलेबल है तुम्हारा अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए। फॉर मास्टर प्रोग्राम अब बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ MTech ओनली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अवेलेबल है। अगर बात करें डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए तो तुम्हारा कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, ये है तुम्हारा PhD प्रोग्राम, ठीक है। तो ऐसा कुछ है अंडर ग्रेड, मास्टर एंड डॉक्टरल प्रोग्राम इन IIIT भुवनेश्वर। तो अभी देखेंगे तुम्हारा जो एडमिशन टू BTech प्रोग्राम, BTech प्रोग्राम में तुम कैसे एडमिशन होगे, रिजर्वेशन क्या रहता है, बेसिक सिलेक्शन कैसे होंगे। तो तुम्हारा 100% जो है उनमें से 50% सीट अवेलेबल रिजर्व रहता है किनके लिए, जो ओडिशा के अंदर स्टूडेंट है, ओडिशा के अंदर जो ओडिशा से पास आउट, ओडिशा का कॉलेज से 12th पास आउट है, उनके लिए 50% रिजर्व सीट है, ठीक है। और जो रिजर्वेशन रूल SC और ST के लिए और थोड़ा ज़्यादा है, 5% अलग है, वो तो बात अलग है, लेकिन 100% से 50% ओडिशा के अंदर का स्टूडेंट के लिए है और 50% ओडिशा का बाहर का स्टूडेंट है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, जैसा कि तुम्हारा JEE मेन तुमको देना पड़ेगा, JEE मेन तुम्हारा कंपलसरी है, JEE मेन देने के बाद तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, फर्स्ट तुमको जोसा काउंसलिंग और CSAB काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, नहीं तो कॉलेज का जो और एक ऑफिशियली और एक काउंसलिंग होता है उनमें IIT BS जो कंडक्ट करता है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये जो जोसा और CSAB काउंसलिंग ये ऑल इंडिया का सभी स्टूडेंट के लिए है, और जो स्टूडेंट ओडिशा में बिलोंग करते हैं वो ओनली अप्लाई कर सकते हैं। IIT BS का ऑफिशियल जो काउंसलिंग होता है उनके कॉलेज के तरफ से अलग अलग काउंसलिंग होता है, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी डिस्कस करेंगे तुम्हारा MTech प्रोग्राम, MTech प्रोग्राम के लिए बेसिक सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो इसके लिए मैंडेटरी है तुम्हारा गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो जिस बच्चे ने MTech करने के लिए चाहते हैं IIT BBSR में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए CCMT 2023 जो देना पड़ेगा, अगर इसी साल का बात करें तो ये CCMT हर साल होता है, गेट हर साल क्वालिफाई करते हैं, तो CCMT आपको देना पड़ेगा। उसके बाद गेट अप्लाई करना पड़ेगा, तो CCMT जो काउंसलिंग होता है उनके तरफ से तुम MTech के प्रोग्राम में जा सकते हो। अगर नॉन गेट हो, गेट नहीं दिया हो, तो डायरेक्ट तुम्हारा IIIT BS से ओन एडमिशन भी होता है, ठीक है। तो अभी बात करेंगे डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए। तो बेसिक सिलेक्शन क्या है, डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए 3 राउंड होता है, एक है रिटन टेस्ट, अलग अगर लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन एंड इंटरव्यू। तो 3 राउंड होता है, उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है डॉक्टरल प्रोग्राम, मतलब PhD के लिए, ठीक है। अभी बात करेंगे तुम्हारा क्या क्या सीट और रिजर्वेशन कितना है। तो इधर हम बात करेंगे फॉर BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये सभी ब्रांच के लिए, S मतलब स्टेट कोटा, OATA मतलब आउट ऑफ स्टेट, मतलब ओडिशा स्टेट के अंदर 75 बच्चे को मिलेगा, 75 मिलेगा टोटल ओडिशा के बाहर। तो टोटल 150 सीट है फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन ये टोटल सीट है 38 फॉर स्टेट कैटेगरी, एंड फॉर OTA कैटेगरी 37, फॉर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर स्टेट कैटेगरी 38,
फॉर OTA 37, IT के लिए 38 फॉर स्टेट OTA फॉर 37, एंड CE तुम्हारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 38 फॉर स्टेट कोटा एंड OTA फॉर 37। तो अभी बात करेंगे तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, जिस हिसाब से तुम इस कॉलेज में पढ़ सकते हो, किस एलिजिबिलिटी होने से तुम अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि मैं इधर डिटेल्स मेंशन कर दिया हूँ, तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द कैंडिडेट मोस्ट सिक्योर एटलीस्ट 60 एग्रीगेट परसेंट इन 10th बोर्ड, परसेंटेज 60, और CGPA अगर काउंट किए तो 6.32 CGPA तुमको 10th स्टैंडर्ड में रखना होगा। जिस बच्चे ने 10th स्टैंडर्ड में 6.32 CGPA और 60% एग्रीगेट रखे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल होंगे फॉर IIIT BH के। और तुमको 12th में रखना पड़ेगा 60%, उसके साथ तो प्लस टू साइंस क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद तुमको जो अगर डिप्लोमा करते हो कि अलग कुछ मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करते हो तो एटलीस्ट प्रीवियस एग्जाम में 45% रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सब रूल अप्लाई होता है। और SC और ST कैटेगरी है 5% रिलैक्सेशन मार्क मिलता है, जो 60% में इधर बोला वो 55% हो जाएगा, और जो प्लस टू साइंस में 60% था वो भी 55 हो जाएगा, और जो लास्ट एग्जाम लाइक डिप्लोमा और अदर BTech फॉर मास्टर डिग्री तो 40% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तुम्हारा कोर्स फी क्या रहेगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स फी कितना रहेगा। तो मैं इधर मैं जूम कर देता हूँ, पूरा अच्छे से देख सकते हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर फॉर BTech कोर्स फी अलग अलग रहता है। ट्यूशन फी 78,000 पर सेमिस्टर, लाइब्रेरी 7,500 पर सेमिस्टर, यूनिवर्सिटी फी 5,000 ओनली वन टाइम लेंगे, मतलब ये 4 साल में एक ही बार ले जाएंगे, यूनिवर्सिटी फी एक ही बार लेंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट कस्टम डिपॉजिट वो भी 13,000 एक ही बार लेंगे, वो रिफंडेबल है, मतलब जब 4 साल के बाद तुम्हारा पढ़ाई ख़त्म हो जाएगा उस टाइम तुमको ये 13,000 रिफंड कर देंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन भी 2250 पर सेमिस्टर, ऐसा कुछ मिला के तुम्हारा डायरेक्ट में इधर लिख दिया हूँ टोटल कितना हुआ है, 2,26,950 तुम्हारा फर्स्ट ईयर में, इतना तुम्हारा टोटल जो फीस रहेगा, मतलब कोर्स फी प्लस हॉस्टल फी सब मिलाकर तुम्हारा खर्चा होगा 2,26,950 फॉर फर्स्ट ईयर, अलग कुछ खर्चा नहीं होगा, ठीक है। फॉर सेकेंड ईयर 2,33,800 एंड फॉर थर्ड ईयर 2,45,900 एंड फॉर फाइनल ईयर 2,68,500। तो इसी के बाद और कॉलेज तुमसे एक रुपये भी नहीं लेगा, और जो खर्चा करोगे वो तुम्हारा पर्सनल खर्चा होगा। तो कॉलेज तुमसे ये जो अमाउंट मैं नीचे लग गया हूँ ये अमाउंट तुम्हारा 1 साल के अंदर लेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है तुम्हारा जो बैचलर डिग्री के लिए, तुम्हारा BTech के लिए कॉस्ट भी ऐसा कुछ है। तो उसके बाद हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट द प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या था 2022 में, क्या रहा है 2023 में, तो जिसको बेस कर स्टूडेंट्स पेरेंट्स सभी डिसाइड कर सकते हैं कि IIT BH में हमारा स्टूडेंट कि हम पढ़ेंगे कि नहीं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट और पेरेंट्स का ध्यान रहता है कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रहता था, अभी क्या गया है, उस हिसाब से बच्चे कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, पेरेंट्स कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। तो आज मैं डिटेल्स डिस्कस करूँगा कि प्लेसमेंट कैसा गया था फॉर 2022 में, ठीक है। तो इधर मैं जूम कर देता हूँ, इधर जो कंपनी नेम सब लिखा है और इधर CTC लिखा है, मतलब तुम्हारा जो एनुअल कितना मिलता है, मतलब पैकेज कितना मिलता है। इधर जो लिखा है सुपर वर्ल्ड LNE, तो ये 86.55 LPA, ये तुम्हारा हाईएस्ट पैकेज गया था पर 2022, ओके। तो ये सब में अगर तुम चाहते हो, ये देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये पूरा डिटेल्स। तो इधर सभी कंपनी दिया है, तो इनका जो हाईएस्ट पैकेज है इसके साइड में इधर लिखा है टोटल, इधर आप देख सकते हो बहुत कंपनी है, ठीक है। इधर कुछ है 29, टोटल 42 कंपनी आए थे 2022 में, उसमें से जो हाईएस्ट पैकेज गया था 87
लैक्स एलपीए आसपास, और जो लोएस्ट पैकेज गया था 6.5 एलपी। तो ये कुछ रहा तुम्हारा पैकेज के बारे में। उसके बाद ये पैकेज के बारे में डिस्कस करने के बाद देखेंगे तुम्हारा कितना गया था, परसेंटेज कितना गया। तो उससे अगर ये चाहते हो तो बोलोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो अभी बात करेंगे 2023 में। 2023 में हाईएस्ट पैकेज गया था 39 एलपीए और जो लोएस्ट पैकेज गया था 3.6 एलपीए। इधर देख सकते हो 3.6 एलपीए। तो टोटल 59 कंपनी आए थे 2023, मतलब इसी साल में। तो ये कुछ है तुम्हारा प्लेसमेंट के बारे में, हाईएस्ट पैकेज कितना है, पैकेज क्या क्या लेते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे तुम्हारा जो कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, ठीक है। तो अगर 2021 का बात करें, टोटल 336 बच्चे सिलेक्ट हुए थे फॉर प्लेसमेंट। जो हाईएस्ट पैकेज था 30 लाख एंड फॉर जो लोएस्ट पैकेज था 3.5 लाख पर एनम। अगर 2022 का बात करें, तुम्हारा जो हाईएस्ट पैकेज था 25 लाख एंड जो लोएस्ट पैकेज था 33.5 लाख पर एनम। एंड जो टोटल बच्चे सिलेक्ट हुए थे 487 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। अगर इसी साल का बात करें, जो प्लेसमेंट बहुत कम गया, इधर देख सकते हो 285 बच्चे सिलेक्ट हुए ओनली, और लोएस्ट पैकेज गया था 4.5। मतलब पैकेज बढ़ रहा है लेकिन जो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट का प्लेसमेंट वो थोड़ा कम है। इधर देख सकते हो 336 गया था 2020। तो ऐसा कुछ देख सकते हो द प्रीवियस तीन साल का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद इधर नीचे देख सकते हो टॉप रिक्रूटर्स क्या क्या आए थे तीन साल के अंदर। अमेजन हो गया, तुम्हारा सीमेंस हो गया, मीडियाटनेट हो गया, ओरेकल हो गया, हेल्थ केयर सीमेंस हेल्थ केयर हो गया। ये तीन साल के अंदर ये टॉप रिक्रूटर थे IIIT भुवनेश्वर का। अभी हम डिस्कस करेंगे तुम्हारा जो हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल अवेलेबल कितना है, कितना कोर्स फीस कितना है, ठीक है। तो अगर बात करें बीटेक के लिए, बीटेक के लिए जो तुम्हारा हॉस्टल फीस है 9000 पर सेमिस्टर फॉर फर्स्ट ईयर, 11000 पर सेमिस्टर फॉर सेकेंड ईयर, 11000 फॉर थर्ड ईयर, 13000 फॉर फाइनल ईयर। इधर तुम्हारा जो हॉस्टल में तीन तरह का रूम होता है, वन सीटेड रूम, डबल सीटेड रूम, ट्रिपल सीटेड रूम। मतलब तुम्हारे हिसाब से जैसा तुम जाओ उसी हिसाब से तुम रह सकते हो। मतलब एक बेड होगा, दो बेड होगा, तीन शेयरिंग बेड होगा, जैसा कि जितना ये जो ओनली फीस है, ठीक है। तो इधर ये जो देख सकते हो, ये जो कोर्स जो हॉस्टल फीस है ये ओनली ट्रिपल सीटेड रूम के लिए है। और इधर बात करें फॉर एमटेक के लिए भी हॉस्टल अवेलेबल है ट्रिपल सीटेड के लिए 9000 पर सेमिस्टर, एंड फॉर ट्रिपल सीटेड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस 13000 पर सेमिस्टर, फॉर 15000 पर सेमिस्टर। ये जो फास्ट वाला है 9000, 13000, 21000, ये तुम्हारा फास्ट ईयर के लिए है। सेकेंड ईयर के लिए 11000, 15000, 25000। मतलब जो सिंगल रूम का होगा वो 25000 लेंगे एक साल के अंदर, एंड फॉर डबल रूम 15000 लेंगे, ठीक है। वो सेकेंड ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का 13000 लेंगे। फॉर ट्रिपल सीटेड रूम, फॉर सिंगल सीटेड रूम तुम्हारा 21000 लेंगे। अगर PhD का बात करें तो PhD के लिए भी तुम्हारा हॉस्टल अवेलेबल है 9000 पर सेमिस्टर, 11000 पर सेमिस्टर फॉर सेकेंड ईयर, 11000 फॉर थर्ड ईयर, 13000 फॉर फाइनल ईयर। ऐसा कुछ है तुम्हारा ट्रिपल सीटर, डबल सीटर और सिंगल सीटर रूम। तो ये था तुम्हारा हॉस्टल के बारे में। आई होप जो IIIT के बारे में जो कॉलेज रिव्यू, हॉस्टल्स, कोर्स फीस, प्लेसमेंट, आई थिंक ऑल आर क्लियर नाउ। इफ एनीथिंग डाउट देन यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो आई गिवन इन द डिस्क्रिप्शन माई IIST ID। एंड जो फास्ट में भी मैं तुम्हारा IIST ID दे दिया था, उधर भी कुछ तो अगर कुछ डाउट आता है तो तुम मुझे काउंसलिंग के टाइम अगर कुछ डाउट आता है तो तुम मुझे डायरेक्टली इंस्टा में कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम लिंक भी दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि मैं काउंसलिंग के टाइम जो जो नोटिफिकेशन आएगा फॉर ऑफिशियल वेबसाइट, उधर मैं शेयर कर दूंगा।
ठीक है, तो इंस्टा में तुम मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, और आई थिंक इस IIIT भुवनेश्वर के बारे में ये जो कॉलेज रिव्यू वीडियो बनाए हो, आई थिंक ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर। इफ़ एनी डाउट्स देन कम टू माई IIIT डायरेक्टली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगली वीडियो में मिलेंगे। जैसा कि तुम कमेंट कर दो कि कौन सी कॉलेज के बारे में तुमको कॉलेज रिव्यू वीडियो चाहिए जल्दी से जल्दी, जितना ज़्यादा बच्चा का आएगा कमेंट जिस कॉलेज के बारे में वही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।